Hi, good evening traders. Today is 26th of February 2021. Time is approximately 15:28. Market is now going to close. और मैं लेकर आया हूँ आपको सीधा सबसे पहले इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे जहाँ पर रेलटेल कॉरपोरेशन के बारे में हमें एक जानकारी है और वैसे भी आज हमने इसकी लिस्टिंग देखी है। आज बाजार में दो ही चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही, निफ्टी बैंक या निफ्टी का एक रैपिड फॉल, जैसा कि कल मैंने आपसे अपनी वीडियो में डिस्कस किया था लेवल्स और उसकी आज की ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी, और दूसरी आज खबर थी कि किस तरीके से रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर लिस्टिंग आज हुई है। हमने देखा कि इसमें इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी आए थे जिन्होंने 65.14 टाइम्स ऑफ द कोटा लिमिट सब्सक्राइब किया और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स ने जो बिड दी थी वो 73.25 टाइम्स दी थी और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स ने इसको बिड किया 16.78 टाइम्स ऑफ द कोटा लिमिट। सो इट्स अ ह्यूज सब्सक्रिप्शन। सो नाउ यू कैन सी हियर इट इज 15.30, मार्केट हैज क्लोज्ड एंड रेलटेल कॉरपोरेशन आज सुबह 104.60 रुपए 60 पैसे पे लिस्ट होकर 120.35 रुपए यानी 15.75 रुपए ऊपर, यानी कि 15% की राइज करके आज ये क्लोज होता है। इस इशू के बारे में ज्यादा हमें बात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम सभी पिछले कुछ दिनों से इसे लगातार वॉच कर रहे थे, देख रहे थे। वी नो अबाउट हाउ द गवर्नमेंट इज नाउ इंटरेस्टेड इन प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट किस तरीके से आज इसी प्रकार से IRCTC में भी हमारे को एक राइज देखने के लिए मिला। मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ आज ज्योतिष के ऊपर कि बिना किसी जानकारी के सिर्फ एक लिस्टिंग के बिहाफ पे क्या हम किसी शेयर को या फाइनेंस मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या। ओके, सो इट इज इट लिस्टेड ऑन 104 अप्रोक्सीमेटली 108 के ऊपर इस समय के ऊपर जब ये लिस्टिंग हुई है 26 फरवरी 2021 सुबह 9:15 पर जब बाजार खुला है तो मरकरी का भाव आज के हिसाब से था तकरीबन 108 रुपए का। ये 104 से सीधा 108 की तरफ चला, यानी कि ये शेयर प्राइस सीधा मरकरी की प्रीव्यू में आ गया। उसका एक कारण और भी था और वो ये था कि आज सुबह चंद्रमा मरकरी के ही नक्षत्र के अंदर यानी कि अश्लेषा के अंदर ही था और इट इज अ वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन व्हेन एनीथिंग स्टार्ट इन अश्लेषा नक्षत्र, और ये 120 रुपए को पार करके जो बंद हुआ है ये लगभग इस समय सिंह राशि के अंदर प्रवेश कर चुका है। सो नाउ व्हाट इज दी एंड व्हाट शुड बी दी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉर एनी ट्रेडर इन दिस। व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू द ट्रेडर्स इज कि हमारे पास अगर 108 के आसपास की लिस्टिंग है तो हमारे को अपने प्राइस को इस समय के ऊपर सिक्योर रखना चाहिए या इसी को ही माइनस प्लस 90 से नीचे इस प्राइस को नहीं देखना चाहिए क्योंकि 90 से नीचे जाने के बाद प्लूटो को भी पार कर जाने के बाद ये कहीं पर रिग्रेस कर सकता है। इसके अंदर 30 रुपए का एक कंसोलिडेशन का प्राइस आ सकता है। बट What is the forecast? Forecast is very simple. In the coming time, जो आज listing का इसका time है, इसके हिसाब से इसका Mercury, Jupiter, planet of expansion की तरफ जा रहा है। Certainly, within 2-3 days, you will see a very good rise in it. And after, जब Mercury यहाँ से निकलेगा, आगे Venus की तरफ बढ़ेगा, तो naturally, definitely, it will give a new price range. Which will be the planet of money for it. So, इसकी actual value तक पहुंचने के अंदर अभी हमारे पास तकरीबन we can say okay 16th of March. That means कि for the half month of March we can be positive in it.
कीपिंग ए स्टॉप लॉस ऑफ 90 रुपीज एंड वी कैन टारगेट इट फॉर द नेक्स्ट प्राइस बैंड विच कम्स अप्रोक्सीमेटली 108 के बाद 147 एंड इफ इन एनी केस 147 के ऊपर कंसोलिडेशन करके प्राइस इससे भी ऊपर जाता है तो वी कैन सी दैट इट रीच टू अ प्राइस रेंज ऑफ 192. सो आई एम पॉजिटिव कीपिंग इट फिंगर क्रॉस्ड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इट्स अ पॉजिटिव नोट स्टार्ट्स ऑन अ पॉजिटिव नोट्स हैव अ ग्रेट टाइम ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स आई विल कम बैक सून विद सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी रीड डिस्क्लेमर बिलो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू